presented by DSC Live Coverage। और पुष्कर जी का स्नान कर पुष्कर जी से कई गाती हुई निकली। ध्यान दीजिएगा, सच्चे भाव से माता साड़ू ने गाया और हर भजन राजस्थान से जो निकली हुई सारे भजनों को लिखा है संत शिरोमणि बाबा कनीराम जी महाराज। जय हो। ये पुष्कर दे रमयो देव ये गुजरी की बगीती शेरे पुष्कर में रमयो दे ये गुजरी की बगीती शेर Oh
लोटा समय माता सतवंत की साड़ू पुष्कर का स्नान करी के माला सर की तरफ आ रही और इधर देवनारायण भगवान ने विचार करियो के मासीर बुआजीर अपने हिसाब क्लियर कर ला। हाँ भगवान श्री देव जी पालना ने सुनता सुनता थोड़ा रोया। दासियोर बोली के नाना ऐसी नींद सोवाड़ुवानी कि कदी तू उठेगा आज नहीं। अबे जाए हो दासी उसी समय क्योंकि देवनारायण भगवान को मारने के तो लिए आई जी थी। हाँ नारायण भगवान को उसी समय पालना में से गोद में लिया और गोदी में लेने के बाद में भगवान देव महाराज को जो थान थो दासी को थान के ऊपर उनने जहर लगाई मिलियो थो वो थान जहर को थान भगवान देव महाराज के मुख में नहीं दियो मेरे बहन भाई। जय हो जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा में एक पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है ये कलयुग की कथा है। यहाँ दो दो दासी भगवान देव नारायण को मारने आई मेरे बहन भाई। जैसे ही दासी भगवान देव नारायण के मुख में दूध खाए वो स्थिति दिया देव महाराज दूध पीना दूर की बात दूध पीगा जहर पीगा दासी को खून पीगा और आखिरी में को प्राण भी पीगो माता साड़ू को लहले। प्राण पी गई प्राण परमात्मा उस समय देखो जो है दासी एक तो माँ पालना में जो मरी पड़ी दूसरी दासी विचार करी कि कहीं मुर्गी की बीमारी भी है कई चक्कर होगा जो अब या तो आड़ी पड़ी मुंडाड़ी जा आ गईगा न चेक करी हाथ पकड़ी ना हाथ छोड़िए तो पड़ाक दड़ा को नीचे पड़ी होने विचार करियो या तो गई पर अछोरियो को पाप याच करती को नहीं तो या छह गांव या लेती अपने बारह गांव जागीरी मलेगा उनमें से छह गांव या लेती। अब बारह में एकली बंदी जय हो विचार करियो अब मैं देवनारायण को दूध पिलाऊं वो दूध पिलाने लगी मेरे बहन भाई तो नारायण भगवान दूध पीगा जहर भी पी गया आखिरी में उनका प्राण